हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन। बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं यहाँ बना रही हूँ बैगन आलू की सब्ज़ी सरसों डाल के। तो मैंने यहाँ मसाला पीस लिया, सरसों, टमाटर, मिर्चा, प्याज, जीरा, गोल की सब डाल के मैंने यहाँ पीस लिया। यहाँ मैंने चाय चढ़ाया मम्मी पापा के लिए। यहाँ मैंने पानी गर्म किया क्योंकि उन लोगों को आदत है तीसी और गर्म पानी, पहले तीसी खा के गर्म पानी पीने का। और यहाँ मैं मम्मी पापा के लिए चाय लेके जा रही हूँ। यहाँ मेरा हो रहा है मसाला, भूंज रही थी मैं। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है इसका, सुबह उठते उठते खेल स्टार्ट हो जाता है, बदमाशी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मम्मी पी रही है चाय और बाबू का चिकू बाय कर दो, मासी स्टार्ट है दादी के पास बैठ के। तो यहाँ पे ये बदमाशी कर रहा है फोन लेके। और मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय और गरम पानी लेके उन्हें उठाने। उठ रहे हैं, मैं सब्जी बना लेती हूँ और उसके बाद चाय और पानी इनके लिए लेके आती हूँ। तब तक ये फ्रेश हो जाते हैं, तब तक मेरा रोटी बन जाता है। और यहाँ पर मैंने आलू और बैंगन को पहले फ्राई कर लिया तेल में, उसके बाद मसाला भूंज के पानी डाल के, जितना आप लोगों को रखना है ग्रेवी उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ डाल लिया पानी और सब्जी को, आलू बैंगन को डाल के यहाँ मैं 10 मिनट तक पका लूँगी। और ये मेरा बन के हो चुका है नाश्ता रेडी, मेरा टिफ़िन भी पैक हो गया। रोटी क्योंकि उधर 2-3 दिन से पराठा पूरी पराठा दे रही थी, इस वजह से आज मैंने दिया रोटी। और यहाँ पे बाबू खेल रहा है। ये हो चुका है रेडी ऑफिस जाने के लिए, बस थोड़ा बाबू के साथ खेल लेते क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। सुबह जाने से पहले 5-10 मिनट खेल लेते हैं, फिर तो दिन भर ऑफिस में ही, फिर आने के बाद थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा बातें होती है, खाना, फिर डिनर करके तुरंत सो जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ बाबू का आदत है पापा ऑफिस जाएंगे तो वो थोड़ा घूमता है बाइक पे, तो यहाँ पे ये बैठ चुका है बाइक पे घूमने के लिए। इसको पता चल जाता है कि हाँ अब पापा रेडी हो गए, अब मुझे लेके जाएंगे, तो पहले उनके गोदी में चला जाता है। तो यहाँ पे वो जा रहा है बाइक पे घूमने। और अब वो जब, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मैं क्या करती हूँ, पहले हस्बैंड को हस्बैंड का टिफ़िन के लिए रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं गैस ऑफ कर देती हूँ क्योंकि उन्हें जाते टाइम देखती हूँ खड़े होके, फिर बाय वगैरह करके तब मैं आती हूँ सबके लिए रोटी बनाती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए तब मैं आई यहाँ पे रोटी बनाने। अब मैं बना रही हूँ सबको के लिए रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं धोऊँगी बर्तन क्योंकि और एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरी रोटी जब मैं स्टार्टिंग में शादी करके आई थी तो मेरी रोटी तो बिल्कुल गोल नहीं होती थी। तब सबको एक घर में मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या बना दियो, इंडिया का मैप बना दियो क्या, कभी कुछ उधर मतलब गोल होती नहीं थी, टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, कभी लगेगा पराठा बना दियो, कभी कुछ शेप नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे बनाते बनाते मैं सीख ली। एक्चुअली मुझे तो सब्जी बनाने भी नहीं आती थी क्योंकि मैं बहुत ऐसी लड़की होती जो मायके में नहीं की होती है काम, तो मैं भी नहीं की थी अपने मायके में काम। और नानी के पास बचपन से रही थी तब तो और भी मतलब प्यार में मुझे कुछ करने नहीं दिया कोई, तो मैं रोटी सब्जी खाना जो भी हो मैं ससुराल में ही आके धीरे धीरे सीख ली हूँ। जो नहीं आता मम्मी से पूछ लेती हूँ, मम्मी नहीं रहती है तो फिर अपनी मतलब मम्मी से, फिर मौसी से, ये लोग से पूछ लेती। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है रोटी, नाश्ता मैं बना ली। अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन, तुरंत मैं नाश्ता बना के बर्तन धो लेती हूँ ताकि फिर ज़्यादा मीन्स
रख देने पे ना लगता है कि चलो बाद में धो लूँगी, 3-4 तो फिर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो 2-3 हो तो हटाते चलो तो बाद में ईजी रहता है। तो मैं यहाँ पे धो ली हूँ बर्तन और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रेत साफ़, क्योंकि जो मेरा वीडियो देखते होंगे कंटिन्यू उन्हें पता होगा मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, मुझे थोड़ा भी गंदगी नहीं पसंद है, और ख़ास कर किचन में मुझे लगता है कि जब मैं किचन में आऊँ काम करने सुबह शाम दोपहर जब भी आऊँ मुझे किचन क्लीन चाहिए होता है, मुझे किचन में थोड़ा भी गंदगी दिखता है मतलब बहुत चिड़चिड़ा सा मन होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से बर्तन धो के और यहाँ पे कर रही हूँ किचन साफ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू के लिए दूध गरम, ये देख सकते हैं आप लोग मेरा किचन हो चुका है साफ, बिल्कुल क्लीन सा लग रहा है। और यहाँ मैंने बना लिया है रोटी सब्जी और यहाँ मैं बैठा दी थी चावल फटाफट से, और अब मैं आप लोग बोलेंगे कि अब ये कहाँ पे आ गई, तो मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के रूम पे, पास में ये मम्मी का रूम मुझे दिखा दो, हाँ दिखा दो। मैं आई थी मम्मी के रूम पे क्योंकि बहन का पर्स और मैं अपना पर्स दोनों का पर्स मैंने साथ में ही लिया था शॉप से, तो वो बहन का भी पर्स मेरे पास ही था, तो इसे कहीं जाना था बाहर, तो ये मैं काम ही कर रही थी तब तक ये फ़ोन की कि दीदी मेरा पर्स लेके आओ मुझे कहीं जाना है, तो बस मैं पर्स देने आ गई थी और मैंने सोचा चलो थोड़ा पर्स भी दे दूँगी, बाबू भी थोड़ा खेल लेगा मम्मी के साथ तो उसका भी थोड़ा मन लगेगा। तो यहाँ पे बाबू कर रहा नानी के साथ बदमाशी, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ होने लगा हीरो का कंघी। और यहाँ फिर मैं मम्मी के रूम से आ गई फटाफट से अपने रूम पे और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, रूम वगैरह ठीक करके अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, पास में ही है तो चली जाती हूँ मम्मी के रूम पे, मम्मी का भी मन लग जाता है मेरा भी मन लग जाता है, काम वगैरह करके चल जाती हूँ कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया झाड़ू, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। मैं ये बोल रही थी कि हर ऐसे ये मैं बोलेगी सिर्फ अपने रूम में ही झाड़ू पोछा की, मैं सब रूम में झाड़ू पोछा की, बट अब सब रूम में तो कैमरा ले लेके नहीं घूम सकते ना, तो एक जगह पे मैं रख दी थी कैमरा को, बस मैंने यहीं पे शूट किया है झाड़ू, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली पोछा लगा ली। और अब मैंने यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करके रखा था अलमीरा में रखने जा रही हूँ, और ये रहा मेरा नाश्ता। कोई बात नहीं, उठ जा चिकू। बजा दो चिकू डमरू बजा दो। अच्छा बेटा बजा दो, तो डमरू बजा के दिखा दो तो मम्मा को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा हो चुका है सारा काम, इससे पहले आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा मैंने कैसे कैसे
मॉर्निंग में सुबह उठ के मैंने कैसे सब कुछ मैनेज किया। बेटू हंस रहा, ये देखिए आज। तो इससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे ब्लॉग में हर चीज मैनेज किया, घर का काम, टिफिन, ये सब कुछ। गाइस मैं काम के साथ साथ, जबकि सुबह में मॉर्निंग में इतनी जल्दीबाजी रहती है, इतनी जल्दीबाजी रहती है कि मतलब एक मिनट का टाइम नहीं रहता है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल के ब्लॉग शूट करती हूँ, मतलब मैनेज करती हूँ कैसे भी। इसलिए मैं एक दो दिन लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरे प्रॉब्लम को समझिएगा, क्योंकि घर का काम रहता है, बाबू भी है, बहुत कुछ देखना पड़ता है इस वजह से। तो मैं गाइस बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा ना मैंने कैसे मैनेज किया सब कुछ, उसी में मैं ब्लॉग भी शूट करती हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, जैसे सभी को आप लोग सपोर्ट करते हैं उसी तरह मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और जो भी मुझसे गलती होता है वो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ आपने ये गलती किया, ऐसे नहीं वैसे, जो भी हो। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और आगे ब्लॉग में भी देखिए अभी आगे होता है क्या। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ डिनर में आज एक करी और चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है नॉनवेज, तो उन्होंने बोला था कि चिकन बना दो, बट लेट हो चुका था, तो मैंने बोला कि मैं एक करी बना देती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस के रेडी कर लिया है, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने ही बोला कि लाओ मैं फ्राई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है, सॉरी मेरे हस्बैंड ने फ्राई कर दिया एक को, और यहाँ पे अब मैं भून रही हूँ मसाला। ये मेरा देखिए मसाला कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ मेरा मसाला हो चुका है रेडी, और इसमें मैंने डाल दिया एग, और एग डालने के बाद, और ये मेरा बन के हो चुका है एग करी रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं इंजॉय करने।